हेलो फ्रेंड्स, इट्स कुमार हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे समास किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, तथा सभी प्रकारों के बारे में हम लोग डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर समास की परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक शब्द या पद उनको मिलाकर कोई एक नया शब्द बनाया जाए तो इसी प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। समास शब्द सम और अस इनके मिलने से बना होता है। मतलब अगर समास का संधि विच्छेद किया जाए तो बनेगा सम धन अस। सम जो कि एक उपसर्ग होता है और अस धातु होता है। सम का अर्थ होता है जोड़ना और अस का अर्थ होता है होना। तो जब दो या दो से अधिक शब्द जोड़े जाएं तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग समास कहते हैं। दोस्तों, जब हम लोग शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो जो पहले वाला शब्द होता है उसे कहते हैं पूर्व पद और दूसरे शब्द को कहते हैं उत्तर पद। अर्थात जब दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। अगर दोस्तों समास के प्रकारों की बात की जाए तो समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीही समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। ये होते हैं कुल 6 प्रकार के समास। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 3 समास के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुव्रीही समास। बाकी के जो 3 समास हैं, कर्मधारय समास, द्वंद समास और अव्ययी भाव समास, उनके लिए आप एक और वीडियो मेरा देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पे जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और बाकी के 3 जो समास हैं, अगर आप उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन 3 समासों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद के साथ लगे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जो भी समासिक शब्द जो भी बन रहे हैं, अगर उसका उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान हो, मेन हो, और जो पूर्व पद है उसके साथ अगर कोई विभक्ति है, कोई कारक चिन्ह है, तो उनका लोप हो जाए, तो इस स्थिति में तत्पुरुष समास होता है। दोस्तों, इसको मैं आपको आने वाले जो भी उदाहरण हैं उनमें समझाऊंगा, तब आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं। तो तत्पुरुष समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 6 प्रकार हैं: कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सभी समास के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष समास। जिस भी समास में को विभक्ति का लोप हो जाए, अर्थात जब कोई समास पद बनाया जाए और उनका विग्रह किया जाए, तो विग्रह से जब को शब्द, जो को शब्द आप देख सकते हैं यहाँ पर, को विभक्ति का जब लोप हो रहा है मतलब गायब हो जा रहा है, तब जब जो समास पद बन रहा है उस स्थिति में जो समास होता है वो होता है कर्म तत्पुरुष समास। जैसा कि उदाहरण में है विदेशगत। विदेशगत का अगर विग्रह किया जाए तो होता है विदेश को गया हुआ। तो यहां से को शब्द क्या हुआ, गायब हो गया, तब समस्त पद बना, क्या बना, विदेशगत। तो इस स्थिति में क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास। ऐसे ही अगला उदाहरण है शरणागत, अर्थात शरण को आया हुआ। माखन चोर, अर्थात माखन को चुराने वाला। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं कि 3 उदाहरण में को शब्द जो को विभक्ति थी वो गायब हो गई, उनका लोप हो गया, तो अब यहां पे क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है दोस्तों करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में से या के द्वारा इन विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे हस्तलिखित, अर्थात हाथ से लिखी हुई, मनगढ़ंत, अर्थात मन द्वारा गढ़ा हुआ, रेल यात्रा, अर्थात
रेल द्वारा यात्रा या रेल से यात्रा। तो इन उदाहरण में से और के द्वारा इन दो विभक्ति का लोप होता है, तब यहाँ पे क्या होगा, करण तत्पुरुष समास। अगला है दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए विभक्ति का लोप होता है, जैसे दान पात्र, दान के लिए पात्र, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, स्नान घर अर्थात नहाने के लिए घर। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों सभी उदाहरण में के लिए शब्द का लोप हो गया है, अर्थात यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। दोस्तों अपादान तत्पुरुष समास में से विभक्ति का लोप होता है। अभी आपने करण तत्पुरुष समास में भी पढ़ा कि से विभक्ति का लोप होता है और अपादान तत्पुरुष समास में भी से विभक्ति का लोप होता है, परंतु दोस्तों दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? अपादान तत्पुरुष समास में जो से शब्द है वो विग्रह होने का, मतलब किसी चीज से हमारा विग्रह हो, अलग होने का जहां भाव आता है वहां पर होता है अपादान तत्पुरुष समास। जैसे धनहीन, अर्थात धन से हीन, धन से हीन होना, धन से गरीब होना, मतलब धन से विग्रह होना, धन से दूर होना, धन से अलग होना। तो इस प्रकार का जो भाव होगा वहां पर होता है अपादान तत्पुरुष समास। अगले उदाहरण है ऋण मुक्त, अर्थात ऋण से मुक्त, प्रदूषण रहित, अर्थात प्रदूषण से रहित, प्रदूषण के बिना। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या है आपका अपादान तत्पुरुष समास। चलिए अब अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है फ्रेंड संबंध तत्पुरुष समास। यहां पर का, के और की, इन तीन विभक्ति का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र, यहाँ का जो विभक्ति उनका लोप हो गया। देशवासियों, देश के वासियों, आप यहाँ देख सकते हैं के विभक्ति का लोप हो गया। और मातृभक्ति अर्थात माता की भक्ति, यहाँ पर की विभक्ति का लोप हो गया। तो जब भी का, के और की इन विभक्ति का लोप होता है तो वहाँ पर होते हैं संबंध तत्पुरुष समास। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन सा समास है। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में मे और पर, इन दो विभक्ति का लोप होता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं उदाहरण में कि मे और पर, इन दो विभक्ति का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए फ्रेंड अब यहाँ पर तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। अब हम लोग, ये पहला तत्पुरुष समास था, तो अब हम लोग क्या करेंगे दूसरे तत्पुरुष समास के, सॉरी दूसरे समास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला समास है द्विगु समास। इसके पहले मैंने तत्पुरुष समास बताया, तो तत्पुरुष समास की परिभाषा और उनके प्रकार सभी को हम लोगों ने जाना। अब हम लोग आते हैं द्विगु समास की ओर। कैसे पहचानेंगे द्विगु समास को? तो जिस भी समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद मतलब पहले का पद क्या हो, संख्यावाची, मतलब जिससे हम लोग को एक नंबर के बारे में पता चले, और पूरा शब्द एक ग्रुप को बताए, समूह विशेष का बोध कराए, एक ग्रुप को बताए, तो वहां पे क्या होता है द्विगु समास। उदाहरण से इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जैसे नवरत्न, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नव, नव मतलब नौ, एक नंबर है, संख्या का बोध हो रहा है, और जब हम लोग इसको मिला दिए नवरत्न, तो यहाँ पे क्या हुआ नौ रत्नों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रुप बना जिसमें पूर्व पद संख्या है, और समस्त पद बनाने के बाद जब इनका विग्रह किया गया तो एक समूह बना, तो नवरत्न का होगा नौ रत्नों का समूह। ऐसे ही अगले उदाहरण है चौराहा, अर्थात चार राहों का समूह, त्रिभुवन, अर्थात तीन भुवनों का समूह। तो इस प्रकार से जब समूहवाचक हो और पूर्व पद संख्यावाची हो तो उस स्थिति में क्या होता है द्विगु समास होता है। अगला है दोस्तों बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास का जो परिभाषा है वो ये है कि जिस पद में न पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रधान हो, मतलब ऐसा समास जिसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद, बल्कि समस्त पद के रूप में किसी अन्य पद की ही प्रधानता हो, तो वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। इसमें जब विग्रह हम लोग करते हैं तो विग्रह में वाला, जिसके, जिसका, इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए दशानन, दशानन क्या है दोस्तों, दशानन बना है दस और आनन, दस मतलब टेन, दस नंबर, आनन मतलब सर। इसमें न तो दस प्रधान है पूर्व पद, न तो आनन प्रधान है जो कि उत्तर पद है। ठीक है, लेकिन जब इनका विग्रह करते हैं
तो क्या बनता है, दस आनन का मतलब होगा दस हैं जिसके आनन ना, तो दस हैं जिसके सर, कौन, रावण। तो इसमें दस और सिर इन दोनों का कोई रोल नहीं, न पूर्व पद और न ही उत्तर पद, कोई प्रधान नहीं, लेकिन रावण ये एक प्रधान है, ये प्रधान शब्द है, ये प्रधानता दिखा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास। ऐसे ही अगले उदाहरण है चक्रधर अर्थात चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिसका गला नीला हो अर्थात शिव। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि जब उनका विग्रह किया जाता है तो एक नया ही पद बनता है जो कि प्रधानता को प्रकट करता है। तो यहाँ पर होगा दोस्तों बहुव्रीहि समास। तो ये थे दोस्तों तीन प्रकार के समास। बाकी तीन समास को अगर आप पढ़ना चाहें तो हमारे अगले वीडियो में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई थिंक दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत से वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सी यू, हैव फन।